और रात में सोते वक्त एंड्रॉइड मोबाइल अपने सरहाने नहीं, नेट हर वक्त ऑन नहीं, मोबाइल की एक जगह रहेगी, सब घर के अफराद आने के बाद वहां मोबाइल रखो और फिर आओ। अगर आप इंसान हैं मोबाइल वहां रखिए, घर में आइए। आप अगर इंसान नहीं हैं, आप मोबाइल के जगह बैल हैं, आप अपना साथ लेके जाइए। सारी रात बर्बादी में गुजरेगी, सारी रात बदनिगाही में गुजरेगी। बीवी बाजू लेटी हुई है, बीवी पे गुस्सा दिखा रहा है और इधर हंस रहा है जोक्स देखते हुए, इधर हंसी मजाक चल रहा है फोन के साथ और इधर बीवी पे गुस्सा दिखा रहा है, इधर बच्चे पुकार रहे हैं उनको वक्त नहीं दे रहा है, इधर मोबाइल को घंटे घंटे टाइम दे रहा है। औलाद की तरबियत को बर्बाद करने में मोबाइल का बहुत बड़ा दखल है। और ये मोबाइल तुम इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, मोबाइल तुम इस्तेमाल नहीं कर रहे हो बल्कि मोबाइल तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। तुम मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, मोबाइल तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है, तुम्हारी आखिरत बर्बाद करने के लिए, तुम्हारा खानदान बर्बाद करने के लिए, तुम्हारे बच्चों की तरबियत बर्बाद करने के लिए मोबाइल तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। ये शैतानी चाल और मक्कारों का जाल तुम्हें तुम्हारे खानदान को बर्बाद करने के लिए यूज कर रहा है, तुम उसे यूज नहीं कर रहे हो। मोबाइल बना क्या वास्ते है? कॉन्टैक्ट के लिए, जरूरत की बात करने के लिए। जरूरत की बात कम होती है, गैर जरूरी काम ज्यादा होते हैं। जरूरत की बात कम होती है, गैर जरूरी काम ज्यादा होते हैं। कोई भी चीज दुनिया में बनती है, मिसाल के तौर पे गाड़ी बनी, क्या काम है? सफर करना है उस पर, इधर से उधर। आप कार बनाए उसका एक मकसद है, लारी बनाए उसका एक मकसद है, हर चीज का एक मकसद रहता है। मोबाइल का मकसद कॉन्टैक्ट है, लेकिन ये इस्तेमाल ऐसे होता है कि इसका मकसद क्या है समझ में नहीं आता। इसी में इंटरनेट है, इसी में कैमरा है, इसी में रेडियो है, इसी में न्यूज चैनल है, इसी में लाइट है, इसी में फला है, सब चीजें इसमें, ये है क्या चीज आखिर? गैर जरूरी इस्तेमाल की वजह से मोबाइल ने हमारी जिंदगियां बर्बाद करके रखा। इस नेट की मुसीबत की वजह से खानदान उजड़ गए, कई लड़कियों की शादियां हो गई, खुला हो गए, तलाक हो गए, घर में पता भी नहीं चला। दीनदार घराने, दुनियादार घराने, सब बराबर,